हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अन एकेडमी के जस्ट सिक्स स्टैंडर्ड चैनल पर। हेलो अंकिता, जल्दी से समा जाइए, जल्दी से आप अपने स्कूल फ्रेंड्स और ट्यूशन फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आ जाएं साथ में। हेलो हेलो अंकिता, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जस्ट सिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, वो जस्ट सिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे वो मेरे साथ साथ और भी टीचर्स से एजुकेशन ले सकें। और सारी टीचर्स को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे पहले मैं आपको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम पूजा बत्रा है, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया हुआ है। बच्चों, मेरा 17 साल का हिंदी में एक्सपीरियंस है और मैं यूपीएसएससी के स्टूडेंट्स को भी एग्जामिनेशन के लिए तैयार करती हूँ। नमस्ते बेटा, आपको तो बच्चों मालूम है कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये अनअकैडमी ना, आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आप यहाँ पर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप एजुकेशन ले सकें, है ना, आप सारे सब्जेक्ट उनसे पढ़ सकें। इस समय बच्चों वैसे भी कोविड के कारण आपकी एजुकेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ पर सारे एजुकेटर्स देखिए टॉप हैं, तो आप क्या करिए, बेस्ट एजुकेटर्स से एजुकेशन लेने के लिए आप जो है यहाँ का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जिन जिन जिस जिस बच्चे ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो बच्चे सब अभी डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गुड आफ्टरनून बेटा, अब वहां से डाउनलोड करके वहां पर आप मेरा नाम लिख लीजिए, मेरा नाम पूजा बत्रा है, और वहां पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और फॉलो करके वहां पर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरे जो भी वीडियोस होंगे, फ्री क्लासेस होंगी, वो आपको सब्सक्रिप्शन आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, तो आप मेरी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। मेरे साथ साथ वहां पर और भी एजुकेटर्स हैं बेटा, उनसे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी, साइंस, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, यहाँ पर देखिए, आप इस प्लेटफॉर्म पर आपकी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, जिसमें आप बच्चों आप अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं, है ना, आप डिस्कशन कर सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर्ड कोड आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस तैयार किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपके बेस्ट प्रिपेयरिंग के लिए आपको कराई जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, है ना, उसके लिए आप क्या करिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे कि आप अपने मार्क्स जो है अच्छे गेन कर सके सारे सब्जेक्ट्स में। और देखिए यहाँ पर लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होती है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल के ना, आपको जैसे आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं तो आपको पता चलता है आपकी कौन सी रैंक है, तो आप यहाँ पर टेस्ट वगैरह देंगे, क्विज देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उस एजुकेटर से आप देखिए पढ़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस है बेटा, आप एक काम करिए कि अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं बेटा, तो वहां पर फ्री क्लास प्लस कोर्स लेते हैं, वहां पर टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, है ना, और वहां पर आप अगर प्लस
क्लास लेते हैं तो आपको किसी भी टीचर का जब वीडियो आपको कोई प्रॉब्लम है आप नहीं देख सकते हैं, जब आप फ्री हो तो आप उनका वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। देखिए यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे आपको, देखिए कुणाल सर, निकिता मैम, सृष्टि मैम, दीक्षा मैम, हुमेरा मैम, हिना मैम, ये सब देखिए वेल एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस है इनको कितना, तो इनके एक्सपीरियंस से आप देखिए सारे सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड रैंक ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आप सारी क्लासेस अटेंड कर सके। ये साइंस के यहाँ बच्चों 6 कोर्स है, मैथमेटिक्स के 4 कोर्स है, इंग्लिश के 3 कोर्सेज है, सोशल स्टडी के 3 कोर्सेज है। तो उसके लिए आप क्या करिए, है ना, आपके टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो उसके लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बेटा, और टेलीग्राम ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए सर्च और टाइप यूआरएल लिखा है, वहां पर आप ही आए, ये देखिए लिंक दिया हुआ है, वो टाइप करिए, उससे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, क्लिक ऑन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर लीजिए। उससे पहले आप अपने फ्रेंड्स को, ट्यूशन फ्रेंड्स को आप लिंक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे वो भी जो है साथ में आपकी क्लास अटेंड कर सके। ये देखिए आप 6 to 12 मंथ का देखिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बच्चों देखिए केवल यहाँ पे 2500 का है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स बच्चों पढ़ाए जा रहे हैं, इंग्लिश मैथ्स आप पढ़ने जाते हैं, साइंस पढ़ने जाते हैं, और 1000 पर मंथ फीस देते हैं आप, और यहाँ 2500 आपको केवल एक महीने की फीस में आपको सारे सब्जेक्ट्स बेटा आपको पढ़ाए जा रहे हैं। 6 मंथ की फीस में 6 मंथ की फीस है आपकी केवल 10,000 रुपीज ना, पर मंथ आपकी फीस कितनी है 1,667 रुपीज, उसमें भी आपको 33% डिस्काउंट मिल रहा है। और 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों तो वो 15,000 का था, बट इस टाइम लेकिन देखिए 13,500 का है, उसमें भी आप पर मंथ भी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, 50% ऑफ है, देखिए उसमें भी 1,250 का है केवल। और सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए 24 मंथ्स का बच्चों, तो देखिए 25,000 का था और इस समय तो देखिए केवल 22,500 का है, उसमें भी देखिए 58% डिस्काउंट है। और आप देखिए आगे इसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट तो बहुत ही कम है, 1,042 रुपीज में आप बताइए सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, कितने सब्जेक्ट आप 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बेटा, तो उसके लिए कुछ भी फीस नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करिए, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और उस पर भी आप अगर डिस्काउंट लेते हैं, आप मेरा रेफरल कोड पूजा 01 आप यूज करिए, उस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ना। तो आप सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल नहीं भूलिए बच्चों, ठीक है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे आप सारे सब्जेक्ट्स आप अपने टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। इस समय वैसे भी आप कोविड की वजह से आपकी पढ़ाई प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है, है ना, इसके लिए आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आप उन एजुकेटर से, टॉप एजुकेटर से आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। आप देखिए उनके लिए आप उसके लिए क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए अब हम हिंदी का नया लेसन, हिंदी व्याकरण का नया लेसन आपको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला हमारा लेसन है संज्ञा, संज्ञा के बारे में कौन कौन जानता है, संज्ञा क्या होती है बताइए हमें, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। आपके आसपास देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, और जितनी भी चीजें होती हैं बच्चों सबका नाम होता है, कुछ ना कुछ उसका नाम होता है, चाहे वो सजीव चीजें हो और चाहे वो क्या होती है, निर्जीव चीजें होती है। सजीव चीजें जिसमें जान होती है, और जिसमें जान नहीं होती वो क्या होती है, निर्जीव चीजें होती हैं, है ना, और सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं, तो जो नाम होता है उनका उसी को हम कहते हैं संज्ञा, ठीक है बच्चों। ये हमेशा याद रखिए कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं सबके नाम है, तो उन्हीं नाम को क्या कहते हैं हम, संज्ञा,
ठीक है, आप कोई ना कोई उनका नाम होगा, तो यानी कि ये जो भी नाम है वो आपके कहलाएंगे संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और भाव के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझते हैं हम। राम और सीता ताजमहल देखने गए। राम यहाँ क्या है, किसी का नाम है, देखिए है ना, राम क्या है, किसी का नाम है, सीता नाम है, ताजमहल क्या है, स्थान है, ठीक है, ये क्या हुआ संज्ञा। ताजमहल आगरा में है, ताजमहल आगरा में है, ताजमहल और आगरा क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ संज्ञा हुआ, क्योंकि ताजमहल क्या है, ताजमहल क्या है बच्चों, जल्दी बताइए, ताजमहल और आगरा, आगरा क्या है, स्थान है ना, किसी जगह का नाम है। आगरा का पेठा मशहूर है, ये क्या है, आगरा क्या है, स्थान का नाम है, पेठा वहां का मशहूर है, ये क्या है हमारी संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा हम कहेंगे। शहद में मिठास होती है, मिठास क्या है, ये अभी हम आगे आपको बताएंगे, संज्ञा के भेद तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। शहद में मिठास होती है, मिठास यहाँ पर क्या है, संज्ञा, शहद में क्या होती है, मिठास, ठीक। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और प्राणी स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में कोई भी किसी का भी नाम आ सकता है, राम, सीता, गौरी, विनय, है ना, महात्मा गांधी, कोई भी नाम आ सकता है, आप किसी का भी नाम लीजिए, वो क्या होंगे, हमारे संज्ञा होंगे, क्योंकि वो किसी के का नाम है, ठीक है। हाँ, अंग्रेजी में अंकिता इसे नाउन कहते हैं, वेरी गुड। वस्तु क्या है, देखिए, कुतुब मीनार, दरवाजा, पुस्तक, पंखा, ये सब क्या है, हमारी वस्तुएं हैं। पुस्तक क्या है, हमारी वस्तु है, पंखा क्या है, वस्तु है, ये सब क्या है, संज्ञा है हमारी। अब स्थान क्या है, जैसे लखनऊ है ना, मैंने भी आपको बताया आगरा है ना, आगरा, लखनऊ, पंजाब, कानपुर, ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है हमारे संज्ञा शब्द हैं, तो इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। स्थान हो गए। अब प्राणी, प्राणी जिसमें क्या कहते हैं, जान होती है ना, सजीव चीजें, बिल्ली, कुत्ता, गाय, शेर, ये सब क्या है हमारे प्राणी है, तो ये सब क्या है हमारे संज्ञा है। भाव क्या हो, आप हंसते हैं, ठीक है, ये देखिए भाव क्या है, गुण है, बचपन है, बुढ़ापा है, शत्रुता है, मित्रता है, ये सब क्या है हमारे भाव है, अभी हम इसे डिटेल में आपको समझाते बच्चों। तो यानी कि आप अर्थात आप समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है, ये अच्छी तरीके समझ लीजिए। अब हम इसके आगे फिर भेद समझाते हैं। हाँ, हेलो अंकिता, चलिए आगे हम समझाते हैं। ये आप, मैंने आपसे बोला था कि आप मेरी क्लास में नोट करने के लिए एक पेंसिल है ना, पेन और कॉपी ले लीजिए, जिसमें हम जो बताते जाते हैं वो आप नोट करते जाइए, कि आपके जब एग्जाम में होता आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, तो उसके लिए कंफ्यूज ना हो, उसके लिए नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट करते जाइए। चलिए, संज्ञा की परिभाषा अभी हम आगे पूछेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, है ना, ये देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, है ना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे हम। किसी विशेष व्यक्ति, जैसे कि व्यक्तियों के नाम ले लीजिए आप, इंदिरा गांधी, अभी मैंने बताया इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू, है ना, ये स्पेशल नेम है, ठीक है, उनको क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आपसे अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, तो अगर व्यक्तियों के नाम किसी स्पेशल व्यक्ति के नाम, विशेष व्यक्ति के नाम आते हैं, तो आप क्या कहेंगे उसे, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आप जैसे उसमें और भी नाम है, जैसे आलोक, आशुतोष, राधा, गौरी, किसी का भी नाम हो,
आप क्या रहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, कामायनी, पंचतंत्र, ठीक है, ये सब क्या है, पुस्तकों के नाम है। पुस्तकों के नाम किसमें आएंगे, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। स्थानों के नाम जैसे लखनऊ, आगरा, कानपुर, दिल्ली, पंजाब, किसी भी स्थान का नाम हो, ये सब आपके आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, ये अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए बच्चों। नदियों के नाम, जितनी भी नदियां हैं वो सब आएंगी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, है ना, ये सब क्या है आपके किसमें आएंगी, नदियों के नाम सब आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पहाड़ों के नाम, हिमालय, विंध्याचल पर्वत, है ना, ये सब क्या है, ये सब पहाड़ों के नाम किसमें आएंगे हमारे साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा में। त्योहार हमारे जितने भी हैं, होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, ये सब जितने भी त्योहार हैं हमारे, सब आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब आपसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर पूछेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जितने भी विशेष व्यक्तियों के नाम होंगे, पुस्तकों के नाम, स्थानों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, त्योहारों के नाम, ये सब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से एक जैसे प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, संपूर्ण जाति का बोध होता है, किसी एक पशु का, किसी एक का बोध नहीं होता, उसे पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि प्राणी उसमें हो गए मछली, है ना, ये देखिए घोड़ा, लड़की, चींटी, ये सब क्या है हमारे, आप देखिए। और जातिवाचक संज्ञा भी हमारी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा के भी हमारे दो भेद होते हैं। ठीक है, आगे अभी हम ये बताते हैं आपको, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, उससे पहले देखिए आप, सीजन नमस्ते बेटा, हाँ किता, ठीक है, आइए देखिए जातिवाचक संज्ञा। आप देखिए जिसमें हमारी जो है पूरी जाति का बोध होता है, जैसे गाय का संबंध समस्त गाय जाति का बोध होता है ना। जैसे कि आप गाय का उसका कोई नाम नहीं है, है ना, तो गाय क्या है हमारी पूरी, आप गाय बोलते हैं तो समस्त जाति का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, है ना। अध्यापक घर कहने से अगर आप अध्यापक कहते हैं तो समस्त जो हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी शिक्षक हैं हमारे, सब उसमें आते हैं, तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि पूरे समूह का, पूरे जाति का हम अवबोध करा रहे हैं, इसलिए वो क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है बेटा। ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, जाति में पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए वो कहलाते हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लीजिए, है ना। अब डॉक्टर जो है, देखिए डॉक्टर क्या करता है, हमारी पूरी हमारे स्वास्थ्य को देखता है। डॉक्टर क्या है हमारे यहाँ पर, क्या है डॉक्टर हमारे यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा है। डॉक्टर पूरे सारे मरीजों को देखता है तो क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए जातिवाचक में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक किसे कहते हैं, समूहवाचक किसे कहते हैं, देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं या समूहवाचक। आप देखिए समूहवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा दोनों संज्ञा एक ही होती है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर समुदायवाचक संज्ञा के आपको दो उदाहरण लिखने के लिए आते हैं तो आप लिख सकते हैं कक्षा, टीम, है ना, और आपको अगर समूहवाचक आते हैं तो उसमें भी आप लिख सकते हैं, तो दोनों चीजें क्या है हमारी, एक है। इसको उदाहरण से देखिए, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कक्षा में, कक्षा क्या है हमारी, क्लास पूरी है, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें किसी का हम नाम नहीं बोल रहे हैं, कक्षा तो क्या है हमारा, एक समूह है। कक्षा में बच्चों को क्या है, बच्चों का एक समूह है, उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा, समुदाय है पूरा। ठीक है, राम की टीम ने मैच जीता,
राम की टीम ने मैच जीता। टीम क्या है? क्रिकेट टीम हम मान लेते हैं। टीम में कोई एक व्यक्ति नहीं है, टीम में कितने हैं? 11 है, 22 है, जितने भी हैं। क्रिकेट टीम में 11 होते हैं, 11 होते हैं, तो उसमें क्या है, टीम है पूरी, पूरी 11 व्यक्ति हैं उसमें, तो वो क्या है, हमारी टीम है। उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। समूह में क्या है, एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा, इसमें पूरे समूह का बोध हो रहा है, पूरे समुदाय। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, कक्षा में बच्चे बैठे हैं, ठीक। आगे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या पदार्थ के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा में हाँ बेटा, टीम जो है वो हमारी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। कक्षा में, हाँ, कक्षा जो है हमारी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है हमारी। हाँ, ये आपने सही सही बोला है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या पदार्थ के नाम का बोध होता है। कोई भी धातु है, पदार्थ है, यानी कि लिक्विड है ना, लिक्विड चीजें, ठीक है, तरल और ठोस चीजें, ठीक है। घी हमारा, देखिए, तेल, तेल लिक्विड है। तांबा, कोई भी धातु है हमारी, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब क्या है, हमारी धातुएं है ना, ये सब अगर आती हैं तो क्या आएगा हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में बच्चों, आएगा ये। और देखिए, पदार्थ, कोई भी लिक्विड चीजें हैं, वो किस में आएंगी, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि घी, तेल हमारा किस में आएगा, ये सब है ना, ये सब पदार्थ है हमारे, किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो उसके लिए आप किस में लिखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, संज्ञा तो आपका ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। हाँ, तेल, सोना, चांदी, ठीक है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपके एग्जाम में आता है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये अभी हम शाम की क्लास में आपको बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, तो आपको ये शाम की क्लास में बताएंगे। पहले अभी देखिए कि आप द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। पहले अपने अपने फ्रेंड्स को, ट्यूशन फ्रेंड्स को बच्चों, लिंक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि फाइनल एग्जाम होने वाले हैं आपके, और आप उनको भी अपने साथ शेयर करिए कि अपने साथ वो पढ़ सके आपके, है ना। अगर आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाना, तो आप शेयर करिए आगे, जिससे कि वो भी पढ़े, ठीक है बच्चों। आगे क्या है ये देखिए, आप द्रव्यवाचक संज्ञा में कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे आप द्रव्यवाचक संज्ञा में। चलिए आगे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा देखिए, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। उसे क्या कहेंगे हम, भाववाचक संज्ञा कहेंगे, कि जिससे हमारी किसी भी प्राणी की स्थिति, प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव, दशा का पता चलता है। जैसे कि कोई बच्चा लंबा है, नाटा है ना, गरीबी, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, भाववाचक संज्ञा आप ऐसे पहचान सकते हैं कि आप उसको केवल अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, अनुभव कर सकते हैं, उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, इसको आप छू नहीं सकते, वो क्या हमारी कहलाती है, भाववाचक संज्ञा हमारी कहलाती है, ठीक है। आप सुंदरता है, सुंदरता को आप छू नहीं सकते, आप सुंदरता को अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा है, बुढ़ापा को आप स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं कर सकते, तो क्या हमारी कहलाएंगी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भी बनाने के लिए बच्चों आती है, ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर पाएंगे, लेकिन हम छू नहीं पाएंगे, यानी कि हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे, वो सब किस में आएंगी हमारी, आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगी, ठीक है। ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और इसके एग्जाम्पल आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल।
इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक बच्चों संज्ञा जो होती है वो पर्टिकुलर एक का नाम होता है, किसी विशेष का नाम होता है, एक नाम का बोध कराते हैं, वो हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसके उल्टा जो जातिवाचक संज्ञा होता है वो पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है, अब डॉक्टर है जैसे, तो डॉक्टर जो है हमारे पूरी जाति का बोध कराएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा होगा हमारा। अध्यापक, जितने भी अध्यापक है, जितनी भी टीचर्स हैं, वो सब अध्यापक में आ जाएंगी, है ना। इसलिए वो क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आप किसी का नाम लीजिए, जैसे किसी भी टीचर का नाम लीजिए, तो पर्टिकुलर अगर आप उनका नाम लेते हैं, उसका नाम, तो उनका नाम केवल अगर आप लेंगे तो वो आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे महात्मा गांधी है ना, सरोजनी नायडू है, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि वो एक विशेष नाम है। राम, सीता, गीता, ये सब क्या है, एक विशेष नाम है, तो वो हमारे आएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में पूरी जो जाति का बोध कराएगा वो आपका आएगा जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा अच्छी तरीके से समझ में आई। देखिए उसके अलावा है, मिठास है, लंबाई, वीरता, भक्ति, ये सब क्या है आपके गुण दोष, ये सब बताते हैं। किसी भी चीज के गुण दोष बताएंगे तो वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में आते हैं, इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, अब द्रव्यवाचक संज्ञा में भी आपको, देखिए आपने उदाहरण पढ़े हैं ना, अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप पढ़ पाए ना। आप आगे देखिए, आगे हम कराते हैं, देखिए अभ्यास कार्य। अब हम देखते हैं कि आपने जो किया है, देखिए आपको कितना आया बच्चों, है ना। चलिए अब देखिए, माली बगीचे में पानी दे रहा है। अब बताइए माली इसमें क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है, जल्दी बताइए। माली क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है। माली से किस चीज का बोध हो रहा है, माली बगीचे में पानी दे रहा है, समूहवाचक की जातिवाचक संज्ञा है। माली हमारा जातिवाचक संज्ञा है ना, उसमें पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे उसे, माली जातिवाचक संज्ञा। अभी मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा बच्चों समझाई है ना, जातिवाचक संज्ञा समझाइए नहीं अंकिता, जातिवाचक अभी संज्ञा समझाई कि पूरी जाति का, जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे कि पक्षी अगर आप लेते हैं तो पक्षी में सारे पक्षी आ जाते हैं, पक्षी पूरी जाति का बोध होता है ना। अगर आप कोई लड़का कहते हैं तो लड़के का कोई नाम आप नहीं ले रहे हैं, तो लड़के की पूरी जाति का बोध होता है, उसे आप क्या कहेंगे, लड़का पूरी जाति का बोध कराता है, इसलिए आप क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। अभी मैंने बताया, अगर आप पुस्तक लेते हैं, गुड आफ्टरनून, हेलो बेटा खुशबू, अगर आप देखिए, अगर आप देखिए पुस्तक लेते हैं, पुस्तक का कोई नाम लेते हैं, रामायण, महाभारत, है ना, अगर आप ये लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन आपने पुस्तक बोला तो वो किस में आएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा, इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए। ठीक है, आगे देखिए, हेलो बेटा, 2 किलो आटा लाना, आटा, आटा इसमें क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है बच्चों, 2 किलो आटा लाना,
बेटा 2 किलो आटा लाना जातिवाचक समूह वाचक में नहीं आएगा, ये द्रव्यवाचक, ये गलती से हो गया बेटा, सॉरी बच्चों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा में बताइए ये कौन सी संज्ञा है। 2 किलो आटा लाना बच्चों बताइए द्रव्यवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। मेरी आवाज आ रही है आपका? अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप बताइए आवाज आ रही है बच्चों मेरी। 2 किलो आटा, आटा बताइए किसमें आएगा, द्रव्यवाचक कि भाववाचक में? अभी मैंने आपको बताया द्रव्यवाचक भी और भाववाचक भी। हेलो खुशबू, आटा किसमें आएगा बेटा, द्रव्यवाचक कि भाववाचक संज्ञा में? आटा आएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में। अभी मैंने आपको द्रव्यवाचक संज्ञा समझाई बच्चों कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक में क्या क्या आता है। द्रव्यवाचक में किसी पदार्थ या धातु के नाम को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी धातु हो, उसमें पदार्थ में आपके सोना, चांदी, दूध, दही, है ना, मैंने आपको बताया लिक्विड जितना है वो किसमें आएगा आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में। तेल, घी, गेहूं, ये सब किसमें आएगा सब आपका, किसमें आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, विद्यार्थी गरीब था। विद्यार्थी इसमें क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? विद्यार्थी गरीब था बच्चों जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जल्दी बताइए। अभी मैंने बेटा आपको समझाया, जातिवाचक भी समझाया, व्यक्तिवाचक समझाया। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आपको याद हो गई जातिवाचक की ना। अब आप अपने आप बताइए कि विद्यार्थी किसमें आएगा, किसी जाति का बोध कराता है कि किसी व्यक्ति का ही बोध कराता है? किसका बोध कराता है विद्यार्थी? विद्यार्थी किसमें, जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि विद्यार्थी कक्षा में विद्यार्थी बहुत सारे हैं, है ना, उसमें केवल एक विद्यार्थी, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी, इसलिए पूरी जाति का हमारे बोध कराता है। तो क्या है ये विद्यार्थी हमारा, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्या है विद्यार्थी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आया आपको, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं। प्रेम यहां पर किस चीज का बोध कराता है, भाववाचक संज्ञा का कि समूहवाचक संज्ञा का, किस चीज का बोध कराता है, क्या हमें बताता है, कौन सी संज्ञा है ये यहां पर, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, भाववाचक संज्ञा का बेटा कराता है कि समूहवाचक का, प्रेम किस चीज का कराता है, किस चीज का कराता है प्रेम? प्रेम हमें कराता है बच्चों भाववाचक संज्ञा का। किसका कराता है हमें, भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के गुण, दोष, भाव, है ना, के नाम को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रेम क्या कराता है, हमारे भावों को प्रकट करता है। प्रेम, गुस्सा, ये सब क्या है, नाराजगी, ये सब क्या है, हमारे भाव को प्रकट करते हैं। ये सब किसमें आएंगे, बुढ़ापा, जवानी, ये सब किसमें हमारे भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से बच्चों समझ लीजिए कि आज जैसे मिठास, अंगूर में मिठास है, खटास है, ये सब किसमें है आपके भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, आगे देखिए, यह चाबियों का गुच्छा है, यह चाबियों का गुच्छा है। अब बताइए इसमें समूहवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? गुच्छा यहां पर क्या है, गुच्छा है, आप बताइए समूहवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है, जल्दी बताइए। समूह यहां पर क्या है, समूहवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है? चाबियों का गुच्छा है। टाइम ओवर होने वाला है, बताइए।
गुच्छा किस चीज का बोध करा रहा है, कौन सी संज्ञा है यहां पर? गुच्छा, गुच्छा क्या है यहां पर? समूहवाचक संज्ञा है, है ना, चाबियों का गुच्छा है। उसमें एक चाबी नहीं है, उसमें बहुत सारी चाबियां हैं, है ना, बहुत सारी चाबी, चाबियों का एक गुच्छा है, उसे क्या कहेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक, अभी मैंने संज्ञा आपको बताई भी है बच्चों, है ना, समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा भी मैंने आपको बताई, जो जिन शब्दों से समूह या समुदाय का या झुंड का बोध होता है, के नाम का बोध होगा, उसे हम कहेंगे। इसमें एक चाबी नहीं, चाबियों का गुच्छा, बहुत सारी चाबियां, पता चल रही इसमें कि बहुत सारी चाबियां हैं। तो ये क्या है हमारा? समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। समूह जैसे सेना, भीड़, दल, ये सब क्या है हमारी? समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपको चेंज करने के लिए भी, बदलने के लिए भी आता है, और आपको उसमें से छांटने के लिए भी आता है। ये आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपके 5 नंबर का ये आता है आपके एग्जाम में संज्ञा, तो आपको आएगा तभी आप कर पाओगे। इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में मिठास होती है, मिठास बताइए बच्चों कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है? आम में मिठास होती है भाववाचक संज्ञा कि जातिवाचक संज्ञा? जल्दी बताइए, भाववाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है? आम में मिठास होती है, इसमें क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है हमारी? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्यों है इसमें? क्यों है? मैंने अभी बताया आपको, इससे पहले भी आया था भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मैंने बताया कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे वीरता, किसी की वीरता, वीरता क्या है हमारी? क्या है? भाव को प्रकट कर रही है, इसलिए वो क्या है हमारी? भाववाचक संज्ञा है हमारी, है ना। भक्त जो है पूजा में लीन है, है ना, भक्त अपनी भक्ति में लीन है, तो ये हमारी भक्ति क्या होगा? हमारा भक्ति क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा है। इस तरीके इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आगे क्या है? मोहन बांसुरी बजाता है, बांसुरी यहां पर क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है? बांसुरी, बताइए बच्चों। मोहन क्या है हमारी? बांसुरी बजाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा भी मैंने आपको बताई, उसमें क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा भी मैंने समझाई आपको, जातिवाचक संज्ञा में आएगा बांसुरी की आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, किसमें आएगा? बांसुरी आएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में, है ना, किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि बांसुरी आपकी पूरी जाति का बोध करा रही है ना, पूरी जाति का पता चल रहा है, इसलिए बांसुरी आपका आएगा जातिवाचक संज्ञा में। ये व्यक्तिवाचक किसी स्पेशल, किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, है ना, स्थान का नाम नहीं है, आपने को अभी जो मैंने समझाया, तो उसमें क्या है? ये किसमें आएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। आप अच्छी तरीके से बच्चों समझ लीजिए। फिर आगे है, रमेश किताब पढ़ता है, यहां पर रमेश क्या है? जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? रमेश हमारा किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा है कि हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? रमेश किसमें आता है? किसी नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है ये कि पूरी जाति का नाम है? ये किसमें आता है? से आपको पता चलेगा कि कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? रमेश किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम है,
रमेश क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है बच्चों, क्योंकि ये एक स्पेशल किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रमेश किसी जाति का बोध नहीं करा रहा है हमारे, तो वो जातिवाचक संज्ञा में ये नहीं आएगा, रमेश हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संज्ञा को हम छू नहीं सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा, जल्दी बताइए, किस संज्ञा को हम छू नहीं सकते हैं, कौन सी संज्ञा है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, आपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए बच्चों, जिससे वो भी हमारे साथ बच्चों पढ़ पाए। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, मैंने आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट किया है, शुरू किया है, बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, वर्ण विचार शब्द विचार मैंने पढ़ाया आपको, जिसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको व्याकरण में सही करने पर ही आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप लिंक मेरा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, शेयर कर दीजिए बच्चों। हेलो विद्या, हेलो दिव्या, किस संज्ञा को हम छू नहीं सकते, जल्दी बताइए किस संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा, अभी मैंने जातिवाचक संज्ञा भी आपको बताई है और भाववाचक संज्ञा भी बताई है कि किस संज्ञा को आप छू नहीं सकते हैं, भाववाचक संज्ञा, वेरी गुड विद्या, दिव्या वेरी गुड, आप भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया किसी भी वस्तु प्राणी स्थान के गुण दोष, आप किसी भी व्यक्ति के आप गुण को आप छू नहीं सकते, है ना, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो सब आएंगे आपके भाववाचक संज्ञा में ही आएंगे आपके, जैसे मिठास है, ये सब आपके जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, आपके वीरता लंबाई है ना, ये सब आपके किसमें है, भाववाचक संज्ञा में, जिसको आप छू नहीं सकेंगे वो भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अच्छी तरीके से ये समझ लीजिए तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, कभी भी आपको छांटने के लिए आएगा संज्ञा तो आप आराम से छांट लेंगे, इसमें पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आपको मालूम है ग्रामर में हिंदी व्याकरण में पूरे पूरे नंबर मिलते हैं अगर आपने सही किया इन सब में, तो एक्सरसाइज में तो आपको अभ्यास कार्य में पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन तभी मिलेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सही से नहीं समझेंगे, आप क्लास नहीं अटेंड करेंगे, आपको बेसिक से मैं बता रही हूं, अगर आप नहीं समझेंगे तो कैसे आपको समझ में आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुढ़ापा बचपन मिठास शब्द किस संज्ञा के उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा की समूहवाचक संज्ञा, वेरी गुड विद्या, किस संज्ञा के हमारे उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा की समूहवाचक, की हमारे समूह का बोध कराते हैं कि हमारे भावों का बोध कराते हैं ना, भावों को बताते हैं, हमारे हमारे भावों को बताएंगे कि हमारे समूह को बताएंगे, किस चीज को बताते हैं, हमारे हमारे किस चीज को बताएंगे, बुढ़ापा बचपन मिठास किस चीज को बताते हैं, बुढ़ापा बचपन मिठास शब्द किस संज्ञा के उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अभी मैंने आपको भाववाचक संज्ञा समझाई भी है बेटा ना, इसलिए आप उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइए, जो हमारे भावों को प्रकट करता है वो हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा में वो शब्द आएंगे। ठीक है, और जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिनको आप छू नहीं सकते हैं, वो आपके सब आएंगे किसमें, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो अब अच्छी तरीके से इनको समझ लीजिए, ठीक है ना, तो अब आपको अच्छी तरीके से एक बार फिर से मैं छोटा सा ब्रीफली में संक्षिप्त में बता देती हूँ संज्ञा किसे कहते हैं। शाम की क्लास मेरी शाम को 6 बजे से 7 बजे तक बेटा होती है, ठीक है, वो अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें आपके एग्जाम में आता है भाव आपको चेंज करना, बदलना, ठीक है, आपको बदलना, आप कैसे बदलेंगे संज्ञा को,
ठीक है, उसमें कैसे आप बदलेंगे, तो आपको तभी आएगा जबकि आप समझ पाएंगे। जैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा को कैसे बदलेंगे, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना आप सीखेंगे, वो मैं बताऊंगी आपको शाम की क्लास में, ठीक है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा आपको बताऊंगी मैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और आपके एग्जाम में आती है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, और आप नहीं बना पाते हैं। अव्यय से बताऊंगी, ये सब आप शाम की क्लास में अटेंड करिएगा, अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को लिंक जरूर शेयर करिएगा जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ पाए, ठीक है। अब उसके लिए देखिए मैं आपको छोटे में एक बार, संक्षिप्त में एक बार फिर आपको संज्ञा बता देती हूँ कि आपको शाम की क्लास में मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपकी क्लास 6 के स्टैंडर्ड की आपकी जो बसंत बुक है, बसंत किताब आपके में चलती है, तो बसंत बुक से आपकी जो संज्ञा की एक्सरसाइजेस है वो भी कराऊंगी जिससे आपका रिविजन हो जाए, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइए, आप उसमें पूरे पूरे नंबर लेकर के आइए। वो तभी पॉसिबल है तभी जब आप मेरे साथ मेरी क्लास आप अटेंड करिए, ठीक है। आप उसको समझिए, आप उसके बाद मेरे जाने, मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप क्या करिए, उसे एक बार रिवीजन करिए, ठीक है। 10-15 मिनट बैठ करके आप कुछ नहीं, आप रिवीजन कर लीजिए, तो आपको वो रिकॉल हो जाएगा। आपको जब एक बार दोहराव कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए संज्ञा एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मैंने अभी आपको बताया संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के मुख्य रूप से तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। आप देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप और क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, और प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। भाववाचक को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन कहते हैं, और समूहवाचक को आप क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। आपने एक्सरसाइज की, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, आपने आंसर काफी सही दिए हैं, ठीक है। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताई, उसमें किस चीज से आपको पता चलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, नाम का बोध कराने वालों को क्या कहते हैं, वाले शब्द जो है हमारे क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं हमारे, ठीक है। उसमें आप किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद, शिवाजी, महात्मा गांधी, कोई भी आप नाम ले लीजिए। स्थान ले लीजिए, आप गोल्डन टेम्पल ले लीजिए, स्वर्ण मंदिर ले लीजिए, ठीक, स्वर्ण मंदिर लीजिए, ताजमहल लीजिए, ठीक, कुतुब मीनार, हिमालय, ये सब क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर 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 आते हैं ये। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या है, जिन शब्दों से, जातिवाचक संज्ञा में क्या है आपके, जिन शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे पक्षी आपने लिया, लड़का लिया, पुस्तक लिया, नदी लिया, नदियों में जैसे नदी, आप एक नदी का नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे सरयू, आपने सरयू नदी बोली, गंगा नदी बोली, तो ये आपकी आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन आपने केवल अगर आपने नदी बोला तो ये किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि नदी से हमें पता चल रहा है केवल जाति, और आप अगर एक नदी का नाम लेते हैं तो वो किस में आता है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात एक ही व्यक्ति का नाम, और जातिवाचक संज्ञा, इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का बोध होता है इसलिए उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा में आप क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा बताइए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के पूरे के भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, मिठास है, लंबाई है, भक्ति है, वीरता है, ये सब क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर अंदर आते हैं, ठीक है। बुढ़ापा, बचपन, ये सब किसमें है, हमारे भाववाचक संज्ञा के। और भाववाचक संज्ञा की विशेषता ये है कि उसे आप छू नहीं सकते हैं, भाववाचक संज्ञा की पहचान यही है
कि आप भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें आप किसी भी संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है, धातु के नाम का, है ना, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, है ना, ये सब क्या है? दूध, दही, चावल, गेहूं, घी, तेल, ये सब द्रव है, लिक्विड है हमारे, सॉलिड और लिक्विड जिसे, है ना, पदार्थ, वो सब किसमें आएंगे? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। इसलिए हिना बेटा हमारे सामने, मैंने अभी आपको, नमस्ते बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि संज्ञा जो है आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं, सजीव चीजें जो जिसमें जान है और निर्जीव चीजें जिसमें जान नहीं होती है, वो सब हमारी संज्ञा में है। अर्थात हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सबका नाम है। अगर वो नाम है, किसी का भी नाम है, तो क्या आएगा? हमारे संज्ञा, संज्ञा में आएगा बेटा। आपका भी कोई नाम है ना, हिना आपका भी नाम है, तो आपका नाम क्या है? हिना, है ना, वो क्या है? संज्ञा में आता है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप अगर अगल बगल आपकी कोई भी चीज है, आसपास की चीजें हैं, सब आपकी संज्ञा में ही आती हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सब संज्ञा में आएंगी। लेकिन आप सबका कोई ना कोई नाम है, बस इसीलिए वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है, ओके बेटा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, अभी मैंने ये बता दिया आपको, समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से समूह, समुदाय या झुंड के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पूरे झुंड का बोध होता है, अर्थात सेना, सेना में देखिए कोई भी जंग होती है, कोई लड़ाई होती है, तो एक ही आदमी उसमें नहीं रहता है, पूरा झुंड रहता है ना, पूरी सेना रहती है, वो किसका बोध करा रहे हैं? पूरी सेना का। इसलिए वो क्या है? हमारे समूह, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे भीड़, भीड़ जाती है तो भीड़ में कोई एक आदमी नहीं है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं उसमें, भीड़ क्या है? हमारी समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा को हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये आपके आता है एग्जाम में, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा बोथ आर सेम, दोनों एक ही है। दल, सभा, कोई भी मीटिंग होती है, सभा होती है, तो उसमें एक व्यक्ति से कोई भी मीटिंग, कोई भी सभा नहीं होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए वो किसमें आएगा? हमारी समूहवाचक संज्ञा में, ठीक है। इसमें आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताइए। इसमें आप देखिए, अब शाम की जो मेरी क्लास है उसे अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आप अटेंड करिएगा, क्योंकि आपको ये सब आते हैं एग्जाम में, 5 मार्क्स की एक्सरसाइज आती है आपको। बसंत बुक से भी मैं एक्सरसाइज कराऊंगी संज्ञा की, जिसमें आपको अगर कोई कंफ्यूज, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आपका वो कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगी। अच्छा हिना, वेरी गुड बेटा, आप कोई कंफ्यूजन नहीं है, शाम की क्लास हमारी अटेंड करिएगा 6 बजे से 7 बजे तक संज्ञा। इससे पहले जो मैंने आपको क्लास दी है शब्द विचार, वर्ण विचार और हिंदी व्याकरण के बेसिक से, वो आप मेरे वीडियोस देखिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, उसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा, आपकी जो इम्पोर्टेंट उसमें से एक्सरसाइजेस आती हैं वो मैं आपकी क्लासेस में बताऊंगी। आपकी नेक्स्ट क्लास लूंगी जब, तो मैं आपको बता दूंगी कि कब क्लास उसकी होगी, उसमें से इम्पोर्टेंट जो होता है वो मैं आपको एक्सरसाइजेस कराऊंगी, जिससे आप पूरे पूरे नंबर आप ला सके बच्चों। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको मेरा लिंक बच्चों शेयर करना है, आप मेरा लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास हमारी मिल पाए बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों, उससे पहले मेरे आप लिंक को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप मेरे वीडियोस आप देख सकेंगे, है ना, मेरी क्लास आप अटेंड कर पाएंगे। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चों मेरा कोड, रेफरल कोड पूजा 01 लगाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो भी आपकी पर मंथ फीस है उसमें भी 10% डिस्काउंट अगर चाहते हैं तो आप पूजा 01 कोड लगाइए मेरा।
आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर भी, टेलीग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू।